अच्छा जी, तो मैं हरी कर रही है अंदर कमरों की सफाई वगैरह, तो मैंने सोचा जब तक आके मैं यहाँ से किचन वगैरह समेट दूँ ताकि किचन जी। तो आज खाने में बना है मज़ेदार सा मटर पुलाव, यमी। अच्छा ये हमारी नीलम पॉइंट की नीलम वैली है ना, वहाँ की ये तस्वीर। ये पत्रियाडा चेयर लिफ्ट की है हमारी जी, और माशाल्लाह से ये भी बहुत खूबसूरत है। और जो आप ये मेड है, हाँ देख ले भाई, ये देखें कैसा लग रहा है। करते शुरू तो सुबह बखैर कराची में, ठीक है। आज सुबह का पहला दिन है और हम कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि काफी दिन हमने, आपने देखा होगा टूर्स में हम लोग वहाँ नाश्ता कर रहे थे, और आज जो है ना हम अपने शहर में नाश्ता करेंगे। क्या कर रहे हैं? अपने घर में। हाँ, अपने घर और अपने शहर में। तो जी मैं लेके आया हूँ इरम का जो है ना ये फ्राई ये आज होटल का नाश्ता है, ठीक है जी। और ये आए हैं कम ऑयल के पराठे, क्योंकि मैंने कम ऑयली वाले मैंने पराठे बनाए। और आज ये और सालन आया हुआ था तुरइयों का, तो जी वो निकाल रहे हैं हम। और मेरी YouTube फैमिली आप भी आ जाएं, और जिस जिसने नाश्ता करना है वो भी आ जाए। तो मिलते हैं नाश्ते के बाद। अस्सलामुअलैकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ खैरियत के घर पर पहुंच गए थे, और आज हमारे घर में है पहला दिन, और घर की करनी है जी सफाई वगैरह, सब सूटकेस वगैरह खाली करके यहाँ पर इमरान ने बेड के ऊपर डाल दिए हैं। ये मैंने जुमरात बाजार लगा दिया। हाँ, अभी मैं इनकी जगहों पर भी रखना है, फिर मेरी हेल्पर आ जाएंगी तो उसके साथ मिलकर सफाई वगैरह भी करवानी है। जैसे कि आपको पता है कि यही सब काम घर के जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं करने, क्योंकि एक हफ्ते से गए हुए थे हम लोग जी, बहुत ज़्यादा, और थकन अभी तक नहीं उतरी है सफर की, मगर मजा बहुत आया, बहुत एंजॉय किया हमने। और इरा इंशाल्लाह हमारा इरादा है फिर हम जाएंगे ना। हाँ, अनकरीब बहुत जल्द, क्योंकि सरप्राइज रख के और फिर आप लोगों के साथ शेयर करने का मजा ही अलग है। हाँ, लेकिन वो जगह हम आपको नहीं बता रहे, लेकिन फिर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फिर हम टूर करेंगे। अगर भी जाना है ना तो मतलब बहुत मजा आने वाला है वहाँ पर जाकर। तो ये तो जी है सरप्राइज आप लोगों के लिए कि हम कहाँ जाएंगे। बहरहाल बहुत मजा आया है, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, और अल्लाह पाक के कुदरत के नजारे हैं जो अल्लाह ने बनाए, खूबसूरत खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत पहाड़, आबशार और नहरें कुदरती, जो जो पानी है बहुत जबरदस्त है। और फिर एक मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब हम वहाँ जा रहे हैं मरी साइड पे या पेशावर वगैरह, उस मरी और कश्मीर और नारायण का घर के साइड पे, और इमरान कौन सी जगह थी जहाँ बर्फबारी हुई थी? वो शोगरान। शोगरान, तो बस एक यही ख्वाहिश थी कि बर्फबारी देखने को मिल जाए, और मेरे रब का बहुत करम एहसान है कि अल्लाह ने हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी की और हमने लाइव बर्फबारी देखी। और आप सब की दुआएं भी हमारे साथ हैं जो हमें प्यार मोहब्बत करते हैं और प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक सिस्टर ने कमेंट्स भी करा था कि आपके टूर्स पे कितना खर्चा आया, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो हम आपके साथ तफसील से उस पर डिटेल देंगे कि कितना एक्सपेंस लगता है, यहाँ से कौन सी गाड़ी में जाना चाहिए, ट्रेन में या बायर, जो भी हो सब कुछ हम एक व्लॉग बनाएंगे प्रॉपर, उसमें आप ज़रूर देखिएगा हमारा। चले जी, जल्दी से आप ये कर लें इरम फटाफट जी। सफाई शुरू हो चुकी है और यहाँ पर महरीन भी आ गई है। और महरीन मज़ा आया तुम्हें जी छुट्टियाँ करके? जी उल्टा सवाल कर रही हूँ जी महरीन के लिए, कि मैं उससे ही पूछ रही हूँ कि मज़ा आया छुट्टियाँ मिल गई महरीन को? हाँ, आप बताएं भाजी कहाँ गई थी? हम घूमने फिरने गए हुए थे और खूब मज़े करके आए, तस्वीर भी लेकर आए, तस्वीर भी दिखाऊँगी मैं तुम्हें। ये रही देखो हमारी तस्वीर है, इन लोगों को भी तो दिखानी है ना अपनी YouTube फैमिली को। ये देखो तस्वीर कैसी लग रही है? बहुत प्यारी। अरे थैंक यू थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी तारीफ की। अच्छा जी, तो मैं हरी कर रही है अंदर कमरों की सफाई वगैरह, तो मैंने सोचा जब तक आके मैं यहाँ से किचन वगैरह समेट दूँ ताकि किचन की भी अच्छे से सफाई हो जाए, बहुत डस्ट हो रही है और ज़ाहिर है इतने दिनों से यूज़ में ही नहीं था, तो इस वजह से आप जल्दी जल्दी से ये सब समेटते हैं और फिर आपसे मिलते हैं जी। तो आज खाने में बना है मज़ेदार सा मटर पुलाव, यमी, साथ में है लहसुन की चटनी, अचार, और ये है मेरा फेवरेट शलजम का अचार। आ जाएं जी, जिस जिसने खाना खाना है हमारे साथ खाना खाए जी। जैसे कि आपको पता है हम लोग टूर पे गए थे और माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया टूर पे, हमने जो शॉपिंग की ज़्यादा नहीं की, थोड़ी बहुत की,
तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको अपनी पिक दिखाती हूँ, निकाल के दिखा लूँ? जी दिखा दें। अच्छा, और इमरान मुझे रिमूवर ला दें, देखें मेरी नील पेंट, मैं इसको रिमूव करूँ। ये देखें लग रहे हैं ना हम। अच्छा, ये हमारी नीलम पॉइंट की, नीलम वैली है ना, वहाँ की है ये तस्वीर। हाँ जी, ये वहाँ की तस्वीर है। और व्यू भी देखें पीछे कितना अच्छा लग रहा है ना, पिक में इतना अच्छा है तो आप लोग सोच सकते हैं कि रियल में कितना अच्छा होगा। ठीक है, और दूसरी ये है, ये आप ऐसी दिखा दें पन्नी के साथ। ये पत्रियाडा चेयर लिफ्ट की है हमारी जी, और माशाल्लाह से ये भी बहुत खूबसूरत है। और जो आप, मैं रिकमेंड करूंगा पत्रियाडा जाएं तो जरूर इस चेयर लिफ्ट पे बैठें। और इसका जो टिकट फी बंदे का है वो 1000 है अभी तक, आगे का नहीं पता। और बाकी आप कब जाएं, काफी ज्यादा कमेंट्स हैं कि कितना खर्चा आया टूर पे, वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा, सबसे पहले ना इमरान की ये दिखाती हूँ। ये इमरान ने लिया था और जब इन्होंने वहाँ पे पहना ना, हमें इतनी हंसी आ रही थी बहुत ज्यादा। बहरहाल ये देखें, ये है निक का, ठीक है, ये गर्दन पे मतलब पहनते हैं। और ये इसके ऊपर का कैप है, ये वैसे अच्छी चीज थी बहुत ज्यादा ना, आपकी पूरा फेस इस टॉप से और ये चीज ना कवर हो जाती है आसानी से। तो ये लिया था, और आपको पता है ज्यादातर इस साइड पे इसी तरह की चीजें होती हैं। तो बस, और ये रशियन कैप, ये रशियन कैप लिया था इमरान ने, ये जो वहाँ का माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है और वहाँ की ये मेड है। देखो ये कैसा, हाँ देख ले भाई, ये देखे कैसा लग रहा है। तो ये कैप लिया था इमरान ने वहां से, और ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। मैंने कहा इमरान से ब्लैक में ही लेना है आपने, इमरान को भी अच्छा लगता है ब्लैक कलर। हाँ, अगर ये चीजें वहीं मिलती हैं तो जारी बात है, ऐसी बाकी सौगातें हैं जो मैंने परचेज करी हैं। थोड़ी बस शॉपिंग थोड़ी करी, ज्यादा नहीं करी हमने, थोड़ी शॉपिंग की पर अच्छी थी। सूट वगैरह आपको पता है मुझे तो क्रेज है कपड़ों का, कि बस कहीं पर भी जाऊँ कपड़े लेने, मगर इस दफ़ा मैंने नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ से बहुत सारे सूट परचेज करके गई थी, इसलिए मैंने कहा चले छोड़ देती हूँ, इमरान भी क्या याद करेंगे। उसके बाद ये थी इमरान ने ये वाली कैब, ये वाली ली थी हमने वो अयूबिया से। दिखाएं बस, इसी दिखा दें आप। अच्छा, मैं व्यूअर्स को दिखा दूं, ये देखें इस तरह की ये है पठानी के, उसके साथ ऊपर ये लगा हुआ होता है जो मोर का ये। और ये एक ये ली थी हमने, ये बालाकोट के शहर से ली थी मैंने, ब्लैक रंग की, तो ये बालाकोट से ली थी। ये भी जो है ना पख्तूनों की केप है। तो ये दो चीज़ें मैंने परचेज करी थी अपने लिए जी। आज दफ़ा मैंने अपनी शॉपिंग ज़्यादा करी, इरम की नहीं करी इतनी। अच्छा जी, ये मुजफ्फराबाद में जो लोग रहते होंगे और जिनको नहीं पता होगा, ये वहाँ की जो है ना ये कुलचे हैं, नमकीन कुलचे हैं, नमकीन कुलचे हैं और चाय के साथ वाकई में बहुत जबरदस्त हैं। अच्छा, ये नमकीन कुलचे हैं, और एक जो है ना इसमें मैं मीठे वाले भी लाया था, खा चुका हूँ मैं, फिर भी आपको दिखा रहा हूँ आज ब्लॉग में। हाँ, गाड़ी में ही स्टार्ट कर दिया। हाँ, ये नान खटाई है वहाँ की जो बनती है, मीठी होती है और वो फीकी होती है। ये कुलचे कहलाते हैं, एक फीके कुलचे कहलाते हैं और ये एक नान खटाई की तरह कुलचे होते हैं, और ये मिलते हैं मुजफ्फराबाद के अंदर। मुजफ्फराबाद में। अच्छा, अच्छा ये हमने लिया था कागान से, ये कागान से लिए थे जी। आते हुए लिए थे हमने। अच्छा, ड्राई फ्रूट जो है ना वहाँ के ज्यादातर बस अखरोट हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन वो तो हमें समझ नहीं आ रहे थे, अच्छे नहीं थे, तो हमने नहीं लिया। लेकिन हमने कहा चलो आइंदा कभी फिर चक्कर लगेगा तो इंशाल्लाह लेंगे। ये वहाँ की स्पेशल चाय है। हाँ। ये वहाँ की मैंने पत्ती ली थी, वहाँ की टी है। हाँ, राजा सुल्तान टी, राजा सुल्तान के नाम से ये टी है वहाँ की। ये है जफर रोड, ठीक है जी, मानसेरा की, ये वहाँ मानसेरा की है। स्पेशल कावा ये जो बनता है तो वो इसका बनता है ग्रीन। हाँ, तो ये मैंने वहाँ का लिया था, इसी शॉप से लिया था मैंने वहाँ पे कागान से आते हुए। ये वहाँ का कावा है। और ये अच्छा, ये मुझे नहीं पता, व्यूअर्स जो रहते हैं मैं तो मुझे जरूर बताना कि क्या कहलाती है। लंबी लंबी सी, अभी मीठी होती है, क्या है, खट्टी सी मैंने चखी नहीं है। हाँ, ये मैंने एक परचेज करी थी वहाँ, एक थैली कम से कम आधा किलो के बराबर है ये, 25 करी थी मैंने वहाँ से। और जी एक हमने ये शॉल ली थी, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमने ली थी कश्मीरी शॉल जी, एक मिनट देखेंट। अच्छा जी, ये शॉल ये जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। बस आप इसे दिखा दें, ऐसी ब्लैक कलर की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लैक कलर की सिंपल जो शॉल्स है ना, मैंने वो परचेज करी थी।
ब्लैक कलर की, और ये एक शॉप पीस था $1। अच्छा मरी में ना बहुत जबरदस्त शॉप्स हैं, सब $1 की हैं, सब तो नहीं लेकिन ज्यादातर $1 की हैं। हाँ, चार पांच शॉप्स हैं जो $1 की थी। ये वाला हमने जो लिया था ना वहाँ का, इसमें इसके अंदर लाइट जलती है ग्रीन व्हाइट इस तरह की ना, ये बुक बनी हुई है अल्लाह अकबर की। तो जब इसे हम डेकोरेट करेंगे और कहीं सजाएंगे तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि हमने इसे कहाँ सजाया है। ठीक है, तो ये ली थी हमने और वहाँ पर ये पर्स थे इस तरह के, ये न्यूली पर्स आए हुए थे, ये पर्स से परचेस करे थे। ये भी वो पर्स, और ये मैंने अपनी भांजी के लिए, वो बच्चों का होता है ना पहनने का, दिखा दूँ सर, दिखा दें। बहन है, हाँ इनकी बहन है, हाँ, मेरी बहन। तो ये अपनी भांजी के लिए उन्होंने ये सूट खरीद परचेस किया है। अच्छा कहीं जाते हैं तो जरूर उसके लिए हम लाजमी चीज लेते हैं। छोटी सी कर रही हूं, हाँ मेरा छूट, मेरा शूज। तो हम किसी भी सिटी या किसी जगह या किसी कंट्री जाते हैं ना, सऊदी अरब भी गए, वहाँ से भी लाए थे, यहाँ से भी गए, हाँ तो ये हम जो है ना चीज़ें लाजमी उसके लिए तो खास तौर पे लेते हैं। अच्छा उसकी उनकी अम्मी के लिए भी लेते हैं, मतलब उनकी अपनी बहन के लिए भी खरीदती है वो, लेकिन ये इसकी खास तौर पर छोटू के लिए जो है ना लाजमी खरीदती हैं चीज़ें। हाँ तो जी ये थी उसकी शॉपिंग की थी हमने, और पर्स दिया था उसकी अम्मी के लिए लिया ना। ये तो बहुत ही मज़ेदार है, जो लोग भी वहाँ पर जाएँ ना वो ये इमली ज़रूर लें। और ये इमली हमने कहाँ से ली थी था? ये पत्रियाडा चेयर लिफ्ट थी वहाँ से ली थी, ये वह पैकेट मिल रहा था 120 रुपए का अंकल ने दिया था। और मरी में जो है ना ये वाली, ये आपको 200-250 की मिलेगी, बहुत महंगे देते हैं। पत्रियाडा के पास जो गेट के पास फर्स्ट नंबर गेट है ना, हाँ वो अच्छी भी नहीं है, और ये फर्स्ट नंबर गेट है ना वहाँ से जो है ना आप क्या कहते हैं परचेज करें तो 120 की पड़ेगी। अच्छा इसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है, ये दिखा दूँ मैं आपको, अगर ऑर्डर्स करनी हो तो। ये कोई प्रमोशन नहीं है, हमने अगर चले व्यूअर्स को दिखा दें अगर अच्छी चीज़ है तो। ये देखें ये मैंने आपको ये भी दिखा दिया, इसका फ़ोन नंबर और एड्रेस भी, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा साथ में लास्ट जो रह गया है वो मैंने अपनी ये शॉल ली थी और बहुत ही खूबसूरत है, ये तो मैं ओपन करके दिखाऊंगी। ये वो कहलाती है ना कौन सी, 3D शॉल्स। जी 3D शॉल सिस्टर को गिफ्ट कर चुकी हूँ, काफी चीजें मैं गिफ्ट कर चुकी हूँ। तो इसी तरह की सेम में थी, मतलब थोड़ा सा कलर का डिफरेंस था, ये 3D शॉल है। अच्छा ये पता नहीं यहाँ अवेलेबल है या नहीं है, ये हमने खैर तो ये हमने मरी से ही ली थी ये वाली, आप देखें माशाल्लाह खूबसूरत है माशाल्लाह से। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा इसके साथ मैं किस तरह का ड्रेस बनाऊँ, ठीक है, क्योंकि ये आजकल ना नॉर्मल ड्रेस भी आप लोग इसे कैरी कर सकते हैं, जैसे सिंपल ब्लैक कलर का हो गया या और भी बहुत से कलर हैं, तो ये है। ठीक है तो जी ये थी हमारी छोटी मोटी सी शॉपिंग जो कि हमने वहाँ से की थी, और तकरीबन सभी चीज़ें सेम ही हैं। और जब हम कराची आए ना तो हमें एक और सरप्राइज़ मिला, मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिखाइएगा ज़रा, ये देखें ये मेरी सिस्टर, उसकी और मेरी मुलाकात नहीं हो सकी मगर वो स्पेशली हैदराबाद से लेकर आई थी सर्दियों का खास तोहफा, गजा। अच्छा ये पहले भी दिए थी हमें, पसंद आई थी, और फिर एरम की बहनों ने फिर हमारे यहाँ आए थे तो वो लेके आए थे स्पेशली तौर पे ये गजक। तो जी ये गजक वो उसने खास तौर पर, खैर खास तौर पे वहाँ की गजक अच्छी बनती है। हाँ जी चलें जी, तो बस इसी के साथ दें हमें इजाज़त, मिलेंगे कल के अच्छे से ब्लॉग में, अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल और हमें भी रखेगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान।